फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर केकेआर की टीम के लिए लगातार काफी अधिक बुरी खबरें निकल कर आ रही है। जहां हमने देखा था दो ढाई महीने पहले इस टीम के स्पिन गेंदबाज प्रवीण तांबे को बीसीसीआई ने आईपीएल से परमानेंटली बैन कर दिया था। इसके साथ ही अब केकेआर के दो और प्लेयर्स आईपीएल से लगभग बाहर हो चुके हैं। आईपीएल 2020 के सीजन के लिए अब ये दोनों ही प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहने वाले है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज फेट कमिंस ने कंफर्म्ड कर दिया है वो आईपीएल 2020 के सीजन में शायद केकेआर के लिए अवेलेबल ना रहे। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लोकी फर्गसन ने तो यह कंफर्म कर दिया है, यहां तक कि स्टेटमेंट दे दिया है वो अब आईपीएल 2020 के सीजन में केकेआर के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। वो करंटली वर्ल्ड कप की तैयारियां करेंगे और वर्ल्ड कप की वजह से वो आईपीएल से पूरी तरह बाहर होने वाले है। इसके साथ ही केकेआर की टीम के लिए बड़ी समस्याएं बढ़ चुकी है। जहां पर इस टीम के लिए प्रवीण तांबे तो ऑलरेडी बाहर है, इसके साथ ही अब लोकी फर्गसन भी कंफर्म रूप से बाहर हो चुके हैं। इस टीम के सामने बड़ी समस्याएं आईपीएल से पहले आ चुकी है और अब करंटली ये टीम इनकी रिप्लेसमेंट देख रही है और हो सकता है लगभग अब जल्दी ये टीम लोकी फर्गसन की रिप्लेसमेंट अनाउंसमेंट कर दे। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही तीन प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जो कि लोकी फर्गसन की जगह इस टीम में आ सकते हैं और आईपीएल 2020 के सीजन के लिए केकेआर की टीम के स्क्वाड का भाग हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही तीन प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली ये वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, लोकी फर्गसन को केकेआर की टीम ने आईपीएल 2019 के ऑक्शन में खरीदा था, जहां पर केकेआर की टीम ने इनको केवल 1.60 करोड़ में खरीदा था और ये अपनी आईपीएल प्राइस से कुछ नहीं थे। इस वजह से इस सीजन चल रही ट्रेड विंडो के दौरान ये ट्रेड होकर एमआई की टीम में जाना चाहते थे, जहां पर एमआई की तरफ से इनको 3 करोड़ का ऑफर मिला था। लेकिन केकेआर की टीम ने इनको ट्रेड नहीं किया था, तब से ये केकेआर की टीम से कुछ नहीं थे और अब तो ये आईपीएल खेलना भी नहीं चाहते, आईपीएल से लगभग होने का डिसीजन बना चुके हैं। तो केकेआर के लिए और अधिक समस्याएं बढ़ चुकी है। करंटली ऐसे तीन प्लेयर्स हैं जिनको केकेआर की टीम इनके साथ रिप्लेस कर सकती है और आईपीएल 2020 के सीजन के लिए अपने स्क्वाड में एंट्री दे सकती है। तो इन तीन प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के डेनियल सेम्स का। दरअसल डेनियल सेम्स इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, यही एक कारण है कि केकेआर की टीम इनको अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है, क्योंकि करंटली आईपीएल 2020 का सीजन या तो हमें जून और जुलाई में दिख सकता है या फिर अगस्त में दिख सकता है। तो इस दौरान इंटरनेशनल प्लेयर्स आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, यही एक कारण है कि केकेआर की टीम डेनियल सेम्स को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। आईपीएल की शुरुआत अगर जून और जुलाई में हो या फिर अगस्त में हो, डेनियल सेम्स पूरा आईपीएल सीजन इस टीम के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही डेनियल सेम्स का बिग बैश लीग में काफी अच्छा प्रदर्शन था, गेंद के साथ लगभग 12-13 मैचेस में इन्होंने 25 विकेट लिए थे, यही एक कारण था कि इनकी टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन बिग बैश लीग के दौरान किया था। तो ये एक रीजन हो सकता है ये टीम डेनियल सेम्स को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ का। दरअसल वेस्टइंडीज का शेड्यूल भी कुछ ऐसा है, अगर आईपीएल का सीजन जून और जुलाई में होगा तो वेस्टइंडीज के प्लेयर पूरी तरह आईपीएल के लिए अवेलेबल रहेंगे। इस वजह से ये टीम अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। ऑक्शन में केवल 75 लेग इनकी बेस प्राइस थी और ये अनसोल्ड चले गए थे, केकेआर की टीम इनको काफी कम प्राइस में अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। वही इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर नाम आता है बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान का। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान की बेस प्राइस 1 करोड़ थी, लेकिन ये ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे। जब इनका नाम आया था तब तक टीमों के पास ओवरसीज गेंदबाजों की कमी नहीं थी, लेकिन अब करंटली केकेआर की टीम के पास विदेशी तेज गेंदबाज की रिक्वायरमेंट है और मुस्तफिजुर रहमान भी एक वो नाम हो सकते हैं जो कि केकेआर की टीम में इनको रिप्लेस कर दे। तो फ्रेंड्स, करंटली ये तीन नाम है जो कि शायद हमें केकेआर की टीम में आते हुए दिख जाए। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम में कौन से गेंदबाज को आना चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।